अपनी पहली राइड कर रहा हूँ ZX10R पे। Assalamualaikum boys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to Islam Sheikh Motor Vlogs, welcome back to another video. आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी पहली राइड कर रहा हूँ ZX10R पे। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ भूसा बॉयज के पास, बहुत मज़े की वीडियो बनेगी, एंड तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सीन ये है कि इट इज़ माई फर्स्ट राइड, फर्स्ट व्लॉग ऑन ZX10R। अभी मैं जा रहा हूँ भूसा बॉयज के पास। इट्स संडे मॉर्निंग और शदीद ठंड है, इतनी मोटी तगड़ी जैकेट पहनने के बावजूद जो है ना ठंड लग रही है। मुझे थोड़ी सी R6 याद आ रही है अब, क्योंकि वो ऐसे मौसम में बहुत मज़ा कराती थी। नीचे से हीट आती थी और ऊपर ठंड लगती थी। तो बताएं कैसी लग रही है आपको मेरी ZX10R इस प्रस्पेक्टिव से, इस POV से। और कनाल रोड बताएं कैसी लग रही है, खूबसूरत माशाल्लाह। फॉग है और ठंड है और रश बिल्कुल नहीं है, और आपका भाई 10R पे। तो आए चलते हैं भूसा बॉयज के पास, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। राइड को एंजॉय करते करते चलते हैं। काफ़ी अर्से बाद राइड हो रही है भूसा बॉयज के साथ, और भूसा बॉयज के साथ राइड करने का मकसद यही है कि डिसेंट वे में चलानी है बाइक, कोई चवली नहीं मारनी, स्लो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलानी है बाइक। आवाज़ कैसी लग रही है आपको ये भी बताइएगा। एंड देयर इज ओनली वन बॉय, बाकी कहाँ पे हैं देखते हैं। सलाम, बाकी आवाम किधर है? सीन है अभी कि नहीं? मुझे तो लग रहा था रश लगा होगा इधर। 2000 years later. So the boys, ये हैं जी भूसा बॉयज स्क्वाड, ये हैं सारी बाइक्स, एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर अ शॉर्ट राइड, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। बिस्मिल्लाह। ये बड़ी यूनिक चीज़ है यार, माशाल्लाह बेहतरीन।
आपके भाई की निंजा। चलो जी बिस्मिल्लाह। वाइजर में फॉग बड़ी जमा हो गई यार। चेक करो ये क्या चीज़ है भाई। नाइस, आगे से दिखाते हैं। बेहतरीन, माशाल्लाह। अब इसको गाड़ी कहेंगे, बाइक कहेंगे या क्या कहेंगे आप लोग कमेंट्स में बताएं। खूबसूरत R1। अच्छा ये जो पीछे बॉय बैठा हुआ है इसकी शक्ल देखे आप, माशाल्लाह बड़ा शौक है इसको बॉय को। बाइक नहीं है इसके पास, लेकिन ये राइड्स देखने आता है। तो पिछले दिनों ना इसकी एक वीडियो हमारे ग्रुप में आई थी, ये खड़ा हुआ था और सुपर बाइक जो थी ना वो फ्लाई बाय कर रही थी, तो इसका बड़ा अच्छा रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ था। उस रिएक्शन के बाद जो है ना ये वायरल हो गया लड़का, इसके जो है क्या कहते हैं स्टिकर्स बनना शुरू हो गए। मैं शेयर करता हूँ, मैं लगाता हूँ वीडियो में, आप देखिएगा। चला गया पहले गियर में और अभी भी मैं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक तो ये इसमें है कि बड़ा गियर यूज़ ही नहीं हो रहा मुझसे अभी, मतलब कि नॉर्मल क्रूजिंग में। बाइक की तारीफें हो रही है माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं 10R का, तो ऑनेस्टली अगर बताऊं आपको, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है, इतनी पावर मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊंगा। अभी तक मैंने इसका पूरा थ्रोटल नहीं खींचा, इतनी इस बाइक में एबिलिटी है कि क्या बताएं आपको। खैर तो दूसरी चीज़ जो मैं इसमें नोट कर रहा हूँ वो ये कंफर्टेबल है। R6 के बाद जब इसमें आए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक लग रही है और ठंडा तरीन बाइक है, मतलब कि हीट का नामो निशान नहीं है इसमें। उसके अलावा इसकी शिफ्टिंग बड़ी मज़े की है गियर्स की, लोग मुझे कह रहे थे कि जी पिछली वीडियोस में, पिछले व्लॉग्स में कि आपका R6 बहुत ज़्यादा लाउड है,
इसको थोड़ा चेक करें, आवाज़ आपकी सही नहीं आती। तो आप जो है ये बाइक काफ़ी ज़्यादा खामोश बाइक है उससे, क्योंकि इसमें लंबा वाला एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो आप बताएं आवाज़ क्लियर आ रही है, कैसी लग रही है आवाज़? और जो फ़र्क फील कर रहा हूँ मैं, सिटिंग पोस्चर का मैंने आप लोगों को बता दिया। ब्रेकिंग तो ज़बरदस्त है, मतलब कि डर नहीं लगता ब्रेक लगाते हुए। कुछ बाइक्स की ब्रेक्स होती हैं कि आप ब्रेक लगाएं तो झटके पड़ते हैं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं झटके वाला। थोड़ी सी आपको पुल करके दिखाते हैं बाइक, खाली पैच मिलता है तो। चेक किया आपने? विद इन नो टाइम जाती है बाइक। और हाँ, एक और चीज़ जो इसमें बड़ी अच्छी है, इसका टायर नहीं स्किड करता। आरसी का टायर ऐसे टेल करता था, इसका बिल्कुल नहीं करता। फोटो फिल्म्स वाइज शारिक अली बड़ा अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। और ये है जी हमारा सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हम रील्स वगैरह बनाएंगे और रेस्ट करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, देन राइड को करेंगे एंड। मैं ज़रा एक गेड़ा लगा के हूँ आगे से। अपने दूसरे फैलाज से मिल गया हूँ, खड़े हुए हमारे बॉयज़। शुक्र है लेट नहीं हुआ, मैं पहुंच गया टाइम से। खैर मुबारक, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और भाईजान क्या हाल है आपका? खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम हैदर, खैर मुबारक सर, क्या हाल है आपका? मुबारक हो शेख साहब। खैर मुबारक जनाब लाला, मुबारक हो, अल्लाह पाक नसीब में करे। आमीन जी। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। क्या हाल है आपका? अनंतर नज़र रखी ऊपर से आ रहे लाला, मैं आपके बताता हूँ जरा, वो बीमर के साथ एक ड्राइव करने जा रहा है। माशाल्लाह, चेक करो यार H2 जबरदस्त। नथिंग इज मोर प्रीटियर देन दिस बीस्ट, बेहतरीन माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये मेरा पहला पुल था इस बाइक का, पहला और आखिरी।
बाइकें मैं नहीं भगा सकता इनके साथ। आई एम डन। अच्छा तो बॉयज़ अब हम निकल रहे हैं नाश्ते के लिए। मेरी GoPro की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं वो चेंज कर रहा था, इसलिए बाइकर्स जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, हम उनको पकड़ते हैं ज़रा। जी पकड़ भी लिया। ये है जी 10R के फवायद में से एक फायदा। ये है जी राणा बोंग पाए मटन चने स्पेशल। One eternity later. अच्छा तो बॉयज नाश्ता इज डन, इट वाज टेस्टी 10/10। जो बोंग था इनका बड़ा परफेक्ट था और मज़ा आया, और पराठे भी अच्छे थे। ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन यहाँ का मसला ये है कि बाज़ दफ़ा अच्छा टेस्ट होता है, बाज़ दफ़ा टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। मतलब कि अगर 3 दफ़ा आते हैं तो 4थी दफ़ा टेस्ट ख़राब मिलता है। एक जैसा टेस्ट नहीं है यहाँ का। तो अब निकल रहे हैं हम वापस, राइड को करते हैं एंड। और दिस वॉज़ इट, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाजमी सब्सक्राइब करें यार, मैं कहता रहता हूँ आप लोग पता नहीं करते क्यों नहीं, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।